साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पिंपल्स की। हमें पता है पिंपल्स और एक्ने एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो बहुत लोगों को होती है, और मैं कहूँगा हमारे क्लिनिक पे जितने भी मरीज आते हैं 5% उसमें पिंपल्स और एक्ने वाले ही होते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है साथियों, जो खूबसूरती पे दाग लगा देती है। हम आपको बताएंगे एक ऐसा अद्भुत नुस्खा जो आपके इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों, और हम लोगों के बहुत पुराने वक्त का नुस्खा है, बहुत पुराने दौर का नुस्खा है। जब जब जो है वह मेरा ख्याल आयुर्वेद का सृजन हुआ होगा उस वक्त का यह नुस्खा है। बताते हैं आपको साथियों एक खूबसूरत सा नुस्खा आपके चेहरे को साफ रखने के लिए, आपके चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए, और चेहरा बेदाग ना रहे, चेहरे पे कोई दाग ना लगे, उसमें जो एक्ने पिंपल्स मुहासे आते हैं जो बहुत बड़ा कारण होते हैं, उसको खत्म करने और ना आने का जादुई नुस्खा। आपको साथियों कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको त्रिफला पाउडर ले लेना है। त्रिफला पाउडर आपको बाजार में मिल जाता है, कहीं से भी आप त्रिफला पाउडर ले सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। आपको एक चम्मच त्रिफला पाउडर 2 गिलास पानी में डाल देना है। उस पानी को आपको एक मटके में, मिट्टी का मटका जो कि आप फ्लेम पे रख सकें, गैस पे रख दें, ऐसे मटके में वह 2 गिलास पानी जिसमें एक चम्मच त्रिफला पाउडर पड़ा हो वह आपको गैस पे रख के बॉयल कर लेना है, और तब तक बॉयल करना है जब तक वो आधा रह जाए। जब वह पानी आधा रह जाए तो रोज सुबह आपको वह खाली पेट पी लेना है। ऐसा आपको 90 दिन तक करना है साथियों। जब आप 90 दिन तक ऐसा कर लेंगे तो आप इसी बीच सफर के इसी बीच में आपका एक एक पिंपल साफ होने की संभावना है, आपका एक एक एक्ने साफ होने की संभावना है, आपका पेट सही होने की संभावना है, और आपका स्किन चमकने की पूरी संभावना है 100%। तो आप इस त्रिफला के नुस्खे को करें साथियों, यह बहुत कारगर नुस्खा है। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और हमको कमेंट पोर्शन में लिखिए कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपके चेहरे के एक्ने दाग गए कि नहीं गए। मुझे पूरी यकीन है कि वह चले जाएंगे या चले गए होंगे जब आप ये नुस्खा करेंगे। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब पे अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके संतोषजनक जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।